एक बंदा दूजे धर्म दे विच पैदा होया, चाहे मास्टर सलीम की मैं गल करा, जे वह हिंदू धर्म नूं प्रमोट कर रहा, हिंदू धर्म के बारे गा रहा, तो इस विच फिर गुनाह की है? सनातनी ही सनातन दे विच जिहड़ा ओह जागरण च माता राणी दे जां भजन उही गाए, होर ना गाए। मैं बिल्कुल सही कह रहा, सब तो पहला किसी भी धर्म कोई नहीं अपन कहता भी मीट खाओ जां शराब पीओ। बिल्कुल जदों भी कोई माता राणी दे प्रोग्राम जाना जां होर किसी गुरुद्वारा साहब जाना, बिल्कुल वैष्णो होकर जाना चाहिए। फिर जे कोई टेंट वाला बंदा शराब पी के आ गया तो मर्यादा तो उन्हें बराबर भंग की ना, कि फिर कल तो यह गल भी होगी कि जो कोई जागरण होंगे उत्थे डीजे वाले भी सनातन होने चाहिए आ, उधर टेंट वाले भी जिहड़े आ वह भी हिंदू परिवार चो होने चाहिए आ। एक बंदे जो नशा करता ना वो फिर दूजा तो एवं नजायज रोह पाउण लग जांदा, वह धर्म की मर्यादा भी भंग होंदी आ, फिर लड़ाई कारण होंदी आ, लड़ाई गल कोई होंदी आ करदा कोई आ। माता राणी के जागरण च जो आप लंगर लाने वो प्याज भी नहीं कई पाते, लोग टमाटर भी नहीं पाते, लसन नहीं पाते, बड़ी शुद्धता नाल आपां माता राणी दा जागरण कराया जांदा। पहला भारत माता की जय, जय श्री राम, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। किवें देखदे हो जो विवाद चल रहा? विवाद नहीं चल रहा, यह असलीयत आ। जिवें साडा छोटा भरा कन्हैया मित्तल जी सनातन धर्म नूं उच्चा चुक रहे आ, बहुत वधिया काम कर रहे आ, ते जे उह कन्हैया मित्तल जी ने कोई स्टेटमेंट दित्ती आ बई सनातन नूं सनातनी ही जिहड़ा भजन गाए जां माता राणी दे जागरण च सनातन प्रेमी ही जिहड़ा भेटा गाए, वो बिल्कुल सही गल आ। मैं कारण की समझदे हो ये क्यों कन्हैया मित्तल वल्लों गल कही गई कि हिंदू ही होण सारे? हुण मैं हुण अपने आपां इक दास सिख कम्यूनिटी नूं बिलोंग करदे हां, हुण कोई हिंदू वीर जां कोई होर अपना गुरद्वारा साहिब लै जाइए उहनूं अरदास ही नहीं पढ़नी होनी। ये गल तो आपां लोग डरदे हां भी जिहनूं कोई धर्म दे बारे ज्ञान आ, जिवें गुणी ज्ञानी आ सिख कौम बहुत विद्वान ने, इस तरह हिंदू धर्म सनातन धर्म विद्वान ने, भी जिहड़ा विद्वान नूं कुछ आउंदा होवे, जिहड़ा शब्द सही गावे, कोई मर्यादा मुताबक अपना भेटा गाए। मेरा एक सवाल है इतने कि एक बंदा दूजे धर्म के पैदा होया, चाहे मास्टर सलीम की मैं गल करा, जे वह हिंदू धर्म को प्रमोट कर रहा, हिंदू धर्म के बारे गा रहा, तो इस विच फिर गुनाह की है? गुनाह कोई नहीं है। कन्हैया मित्तल जी ने कहा भी मेरे बहुत वधिया सत्कार आ, मेरा मास्टर सलीम जी ना मेरा प्यार आ, प्यार हर एक जगह होना चाहिए, धर्म तो प्यार ये वधिया गल आ। लेकिन जिहड़ा ये कन्हैया मित्तल जी, मैं तुहानूं दुबारा फिर कह रहा भी जिहड़ा इन्होंने कहा भी सनातनी ही सनातन दे विच जिहड़ा ओह जागरण च माता राणी दे जां भजन आ उही गाए, होर ना गाए। मैं बिल्कुल सही कह रहा, तुहानूं मैं पहलां ही दस्सिया भी इह जिवें हुण जिहड़े सनातन प्रेमी ने इह कारण की है, पहलां मैनूं कारण थोड़ा जिहा क्लीयर कर दो भी कारण की है, क्यों नहीं कोई गा सकदा? सनातन प्रेमी जिहड़े ने 99% वैष्णो हुंदे आ। माता राणी दे जागरण च जो आप लंगर लाने वो प्याज भी नहीं कई पाते, लोग टमाटर भी नहीं पाते, लसन नहीं पाते, बड़ी शुद्धता नाल आपां माता राणी दे जागरण कराया जांदा। पहला मनता मंगदे मनदे आपां माता राणी अगे भी हे मां साडे काम संपूर्ण करी, जदों संपूर्ण हो जाते हैं फिर लख डेढ़ लख रुपये आपां लाने जगराते ते, भी आपां कहने भी जगराता अपना सही तरीके नाल सही मर्यादा नाल हो जाए। हुण तुसीं पिछे देखिया होना जिहड़ा 5-7 महीने पहलां जी खान आया सी, जी खान दी लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि जी खान दी जिहड़ी लड़ाई हुई वह पता नहीं की कारण से की नहीं, आपां यानी आपां सनातन की इज्जत ही बचाउणी आ। तुहाडे कहण दा मतलब यह है कि जो कोई अजिहा शख्स आ जाता जां कोई गायक आ जाता तो वह मर्यादा भंग हो जाती है जो वह शराब पी के आउंदा जां कुछ खा के आउंदा? सब तो पहला किसी भी धर्म कोई नहीं आपां नूं कहिंदा भी मीट खाओ जां शराब पीओ। बिल्कुल जदों भी कोई माता राणी दे प्रोग्राम जाना जां होर किसी गुरद्वारा साहब जाना, बिल्कुल वैष्णो होकर जाना चाहिए। ईवन मेरे वर्गा तो कोई मीट आंडा शराब नूं हाथ तक नहीं लाता जां नशे नूं हाथ नहीं लाता है, भी हमेशा परमात्मा दी उस्तुत करनी है, बड़े सच्चे दिलों करनी है। इतने मेरा सवाल आ, फिर लोग भी यह गल कहते हैं, लोगों वालों ये गल तुम्हें पूछी भी जानी है कि फिर कल तो यह गल भी होगी कि जो कोई जागरण होंगे उत्थे डीजे वाले भी सनातन होने चाहिए आ, उधर टेंट वाले भी जिहड़े आ वह भी हिंदू परिवार चो होने चाहिए आ, उत्थे लड़ियां वाले भी हिंदू परिवार चो होने चाहिए आ, फिर जे यह टेंट वाले बंदे उत्थे शराब पी के आते फिर भी तो मर्यादा भंग होगी? नहीं नहीं, उत्थे पहला ही एक नोटिस बोर्ड लाना चाहिए भी, जिहड़ा एक तो
ड्रैस ते ला देना चाहिए पहले ही बे ड्रैस अपने जी धर्म दे लागू हुई है हुण कोड लगे ने मंदिरों में भी ये कोई इतने दारू पी के नहीं आऊ कोई नशा करके नहीं आऊगा क्योंकि जोड़ा एक बंद जो नशा करता ना वह फिर दूजा तो एवं नजायज़ रोह पा लग जाता वो धर्म की मर्यादा भी भंग होंगी है फिर लड़ाई कर होंगी है लड़ाई गल कोई होंगी है करता कोई है लड़ाइया होंगे लोगों के घर उत्थे कीड़ा कटा लग जाते हो मेरी धारणा बनती नहीं तुम मेरे आगे बराबर हो गए लोगों का यही कहना बहुत सारे हिंदू जथेबंदियों का भी यह कहना हिंदू संगठन वालों भी यह गल कही गई है कि सनातनी होने चाहिए है जो भजन करते हैं जो तो फिर सवाल तो उही है ना उन्होंने कहन का मतलब यह कि मर्यादा कितना कित जरूर भंग होंगी है जो कोई तो फिर उही तो गल आ मर्यादा भंग तो कोई भी कर सकता जरूरी तो नहीं कि मर्यादा भंग गायकी करूगा फिर जो कोई टेंट वाला बंदा शराब पी के आ गया तो मर्यादा तो उन्हें बराबर भंग की ना गगन समाज जी मैं वो ता ही कहना भी उत्थे एक जो आप जगराता शुरू होने पहले ही एक ए फोर या एक ए थ्री दे हिंदी पंजाबी या अंग्रेजी जिस तरह का बंदा पढ़ता हो उस तरह उत्थे ला दो पहले ही भी जागरण के अंदर आने तो पहला बिल्कुल बंदा सोफी आवे अच्छा, चाहे वह डीजे वाला अच्छा, होवे अच्छा अच्छा मेरी एक गल का जवाब दो कि बोर्ड पढ़न तो बाद बंदे नूं पता लगू भी इस जगह शराब पी के नहीं जाना जिहड़े आम नॉर्मल लोग उन्हां नूं पता नहीं कि मर्यादा की है कि इस जगह ते स्नीह करके जाना जिवें तुसीं कहिंदे हो डीजे वाला आ गया या वेटर आ गए या कोई होर आ गया उत्थे ईवन एक चाहे साडा जिहड़ा प्रबंधक हुंदे आ उन्हां च एक बंदा उत्थे खड़ना चाहिए भी वह होका दे पहला आपदा भी भरावो भी अपना है जागरण शुद्ध जानी शुद्ध मतलब मर्यादा मुताबिक करना क्योंकि उन्हें भंग नहीं करनी है कि मर्यादा कोई दारू पी के अंडा मीट शराब तंबाकू बनाई मैं खावे इस गल्ला दी हुंदी है ना अपनी।